हेलो क्लास सेवेंथ, आपके बुक माय लिटिल बुक ऑफ लिटरेचर का आज हम पढ़ेंगे लेसन इलेवेंथ, उसकी स्टोरी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आपकी स्टोरी बिगिन होती है कैलिफोर्निया में रहने वाले बग से, जो कि डॉग्स की एक वैरायटी है। बहुत हैप्पीली वो अपनी लाइफ को यहाँ पे रहता है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी हैप्पी लाइफ का एंड हो जाता है, क्योंकि इसको कोई किडनैप कर लेता है और किडनैप करके यूकॉन टेरिटरी में ले जाता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में होती है। यहाँ पे ये कनाडा के अंदर 19th century में इसको ले जाते हैं। जो कैलेंडाइक गोल्ड रश है, वो बग की लाइफ के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पे स्ट्रगल करता है और कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता, और कितनी हैप्पीली लाइफ वो यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि बक ने आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ लेता तो उसे पता चल जाता कि उसकी लाइफ के लिए कितना बड़ा खतरा होने वाला था, क्योंकि जिनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग थी और जिनके लॉन्ग हेयर थे, ऐसे डॉग्स को जो है वो किडनैप करके सेल किया जा रहा था। ये खतरा उनके लिए कहाँ से पैदा हुआ था? सैन डिएगो से, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कटिक डार्कनेस के लोगों को येलो मेटल मिला था, मीन्स यहाँ पर उनको गोल्ड मिला था, और उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी को हजारों लोगों की जरूरत थी। अब उन हजारों लोगों को जरूरत थी ऐसे हैवी डॉग्स की, ऐसे स्ट्रॉन्ग मसल डॉग्स की, लॉन्ग हेयर डॉग्स की, जो उनकी इस काम में हेल्प कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बक है उसको यहाँ से किडनैप करने की वो कोशिश करते हैं। तो उसकी किडनैपिंग का केस कहाँ से शुरू होता है कि जो बक है यहाँ पर बहुत ही मजे से रहता है इस घर में। इस घर का जो नाम है यहाँ पर जज मिलर्स प्लेस भी इसको कहा जाता है, और ये जो घर था वो सन किस्ट सांता कालरा वैली में था। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे ट्रीज थे और इसकी जो बैक साइड थी वहां पर तो फ्रंट साइड से और भी ज्यादा स्पेस था। यहाँ पर हॉर्सेस के लिए स्टेबल्स थे और यहाँ पर इनकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोगों को भी रखा गया था। सर्वेंट्स के लिए भी यहाँ पर कोटेज बनाई गई थी जिसमें कि वो रहते थे, और यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज के जो वो ट्रीज और यहाँ पर बेल भी थी। यहाँ पर पंपिंग करने के लिए प्लांट्स की इनके पास एक वेल भी था, ताकि यहाँ पर पंपिंग प्लांट जो है वो लगा हुआ था और वहां से वो वेल में से पानी निकाल सके। एक बड़ा सा सीमेंट का जो है यहाँ पर टैंक भी था, जहाँ पर बच्चे आकर के यहाँ पर नहाते थे और ठंडक महसूस करते थे। बग यहाँ पर जो है वो पैदा हुआ था, उसको 4 साल यहाँ पर हो चुके थे। और हाँ, ये सच है कि दूसरे डॉग्स भी यहाँ पर थे, लेकिन दूसरे डॉग्स के कंपैरेटिवली यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। दूसरे डॉग्स तो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे, वो कभी ग्राउंड में भी नहीं आते थे जैसे ये डॉग घूमता था यहाँ पर फियरलेसली, और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये यहाँ पर ऐसे रहता कि जैसे उसका किंगडम हो, कि जैसे यही यहाँ का राजा है। यहाँ पर इतने अच्छे से वो बिल्कुल खुशी खुशी रहता है। कभी कभी तो यहाँ पर टैंक में स्विमिंग करने के लिए भी आता है, जंप करता है, और साथ ही जज के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी यहाँ पर वो घूमने के लिए निकलता है। और इसके साथ ही कभी वो उनको अपनी पीठ पे बिठा लेता है और कभी उनको उसके नीचे पटक भी देता है। और साथ ही साथ इसकी जो डॉटर्स होती हैं जिल्स की, डॉटर्स के साथ भी वो उनको भेज देता है ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। इसके साथ ही जो बक होता है वो अपने आप में यहाँ पे अपने आप को किंग समझता है, लेकिन जो जज है उसका जो फादर है इलेमो, वो हमेशा उसको अपने साथ रखता है। उसका जो वेट है यहाँ पर 140 पाउंड्स बताया गया है, और अपने बचपन से ही, अपने पप्पीहुड से ही ये डॉग यहाँ पर रहता है और बड़ी कंफर्टेबली लाइफ यहाँ पे जीता है। लेकिन इसकी कंफर्टेबल लाइफ का एंड जो है वो 1897 में तब हो जाता है, जब उसको किडनैप करने के लिए जो गार्डनर का हेल्पर होता है वो कोशिश करता है, क्योंकि जो गार्डनर का हेल्पर होता है वो उसका फ्रेंड होता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब एक दिन जो होता है वो जज अपनी मीटिंग में बिजी होता है और बॉयज अपने क्लब में गए होते हैं,
तो उसको मौका मिल जाता है उसको यहाँ से चुराने का, और उसको चुरा करके वो ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये गार्डनर का हेल्पर है उसका नाम यहाँ पर मैनुअल है, ये जो मैनुअल है एक स्ट्रेंजर मैन से मिलता है और इसी के साथ वो उसको किडनैपिंग करने का प्लान बनाता है। उसको किडनैप करके वो यहाँ से ले तो जाता है, लेकिन स्ट्रेंजर उसको कहता है कि अरे किसी को भी तुम कुछ भी चीज देने से पहले उसको अच्छे से तुम डिलीवर तो करोगे। तो उसके साथ ही जो है वो मैनुअल समझ जाता है कि उसको और भी ज्यादा उसको थोड़ा टाइटली बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैनुअल है इसको डबल पट्टे के साथ बांध देता है। यहाँ पर पहले तो सोचता है कि हाँ चल कंफर्टेबल है, लेकिन वो थोड़ी सी देर के बाद वो अनहैप्पी फील करने लगता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो इतना स्ट्रेंज महसूस करता है कि बहुत ज्यादा उसकी सांसें रुकने लगती हैं। यहाँ पर वो उछलने की कोशिश करता है लेकिन उछल नहीं पाता है। वो स्ट्रेंज जो होता है, जो स्ट्रेंजर है, क्या करता है उसकी रस्सी को उसको पकड़ा देता है। मीन्स जो गार्डनर का हेल्पर होता है यहाँ पे मैनुअल, वो उसकी रस्सी को उस स्ट्रेंजर के हाथों में थमा देता है कि लो भाई ये रहा तुम्हारा डॉग, अब तुम मुझे पैसे दो। तो इसके साथ ही इसकी किडनैपिंग के साथ वो उसको पैसे दे देता है। स्ट्रेंजर से पैसे मिलने के बाद यहाँ पर मैनुअल तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बक होता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि अब तो दूसरे के हाथ में जा चुका होता है। अब वो इतनी जोर से रस्सी खींचता स्ट्रेंजर कि उसका दम घुटने लगता है, बहुत टाइटली हो जाता है और उसकी टंग जो है उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। स्ट्रेंजर उसको बार बार खींचता है, अब वो बेचारा हांफने लगता है। पहले तो वो गुर्राने लगता है कि वो उससे डर जाएगा, लेकिन उसके गुर्राने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके साथ पहली बार कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा था और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या कर सकता था क्योंकि पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसकी सारी ताकत खत्म होने लगती है, उसकी आंखें बंद होने लगती है, वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे दो आदमी आते हैं ट्रेन के चलते ही वो उसको कार में फेंक देते हैं, और कार में फेंकते ही उसको लगता है कि उसकी हैप्पी लाइफ का अब एंड हो गया है। तो ये थी आपकी स्टोरी जो आपकी बग से रिलेटेड थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।